अनुपमा में अब अनुपमा गाड़ी चलाना सीखे। जी हाँ, वो दरअसल ड्राइविंग सीखना चाहती है, क्योंकि बाबूजी की तबीयत खराब होने वक्त उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अगर उसे गाड़ी चलानी आती तो वो बाबूजी को खुद हॉस्पिटल ले जा सकती थी। और ऐसे में अनुपमा ने यह डिसीजन ले लिया कि वो गाड़ी चलाना सीखे। लेकिन यहाँ वनराज बार बार उसे ऐसा करने से मना कर रहा है। जी हाँ, वनराज नहीं चाहता है कि अनुपमा गाड़ी चलाना सीखे, लेकिन वनराज ये परवाह किए बिना आखिरकार अनुपमा गाड़ी चलाना सीख रही है। जाहिर तौर पर ये जान के हैरान होंगे कि आखिरकार अनुपमा ने इतना बड़ा डिसीजन खुद ले कैसे लिया। तो चलिए बताते हैं कि कैसे बाबूजी होश में आने के बाद अनुपमा को ये परमिशन देने वाले हैं। जी हाँ, बाबूजी खुद कहते हुए नजर आएंगे कि उनकी बेटी गाड़ी सीखे वो ऐसा चाहते हैं, जिसके बाद अनुपमा गाड़ी चलाना सीखेगी। और ऐसे में वनराज भी कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ, वनराज देखता रह जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या बीतती है वनराज के ऊपर जब वो अनुपमा को गाड़ी चलाते हुए देखता है। फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।